बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है। हिंसा और आगजनी के खिलाफ बांग्लादेश में हिंदू सड़कों पर हैं। लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने अभी तक हिंदुओं पर हो रहे हमले पर एक शब्द नहीं बोला है। राहुल प्रियंका चुप हैं, लेकिन इस बीच राहुल गांधी को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट का कोई राहुल गांधी कनेक्शन है? क्या बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसकी पटकथा राहुल गांधी को एक महीने पहले से पता थी? ये सवाल इसलिए क्योंकि बांग्लादेश के एक बड़े पत्रकार सलाउद्दीन चौधरी ने ऐसे ही गंभीर आरोप राहुल गांधी पर लगाए हैं। पत्रकार सलाउद्दीन का आरोप है कि एक महीने पहले राहुल गांधी लंदन में थे। राहुल गांधी ने खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से लंदन में मुलाकात की थी। इस मुलाकात में राहुल गांधी ने बांग्लादेश के आंदोलन को हरी झंडी दी। आरोप ये भी है कि इस मुलाकात के बाद तारिक रहमान ISI और CIA अधिकारियों से मिला, जहां शेख हसीना के तख्ता पलट की पूरी रणनीति बनी। सलाउद्दीन चौधरी के इन आरोपों के बाद सियासत में खलबली मच गई है। इन आरोपों के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर है, लेकिन बीजेपी हमलावर है। बीजेपी सवाल पूछ रही है, अगर राहुल ने खालिदा जिया के बेटे से मुलाकात की तो उसका एजेंडा क्या था? कल बांग्लादेश के प्रसिद्ध पत्रकार सलाहुद्दीन चौधरी जी ने ऐसे किए हैं, कुछ बड़े आरोप लगाए हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी पर। सलाहुद्दीन चौधरी जी का मानना है कि पिछले महीने खालिदा जिया के पुत्र लंदन में मौजूद थे और यहां उनकी मुलाकात हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से हुई, और इस मीटिंग में राहुल गांधी ने एक प्रकार से बांग्लादेश में हो रहे आंदोलन को ग्रीन सिग्नल दिया। एक प्रकार से उन्होंने हरी झंडी दिखाई है इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे आंदोलन को। ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है राहुल गांधी पर। मेरे ख्याल से कांग्रेस को तुरंत जवाब देना चाहिए, क्या वाकई राहुल गांधी जब पिछले महीने वे 10 दिन भारत में नहीं थे तो क्या वे लंदन में थे, और क्या उनकी मुलाकात यहां खालिदा जिया के पुत्र से हुई थी? यदि हां तो इस मीटिंग में क्या डिसाइड किया गया, इस मीटिंग का एजेंडा क्या था? इतना ही नहीं, राहुल गांधी पर आरोप है कि 8 अगस्त को जब हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में नरसंहार हो रहा था, राहुल गांधी फिलिस्तीन समर्थक डेलीगेशन के साथ मीटिंग कर रहे थे। आरोप है कि क्या राहुल इन प्रदर्शनकारियों को गाइड कर रहे थे? बीजेपी सवाल कर रही है कि क्या राहुल गांधी ऐसे प्रदर्शनकारियों को उकसाते हैं क्या? हमने देखा है कि गुरुवार 8 अगस्त को राहुल गांधी एक डेलीगेशन से मिले थे। इस डेलीगेशन में इकोनॉमिस्ट जीन ड्रेस भी मौजूद थे। कल अर्थात 9 अगस्त को जीन ड्रेस जो है प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट में भाग लेते हुए गिरफ्तार किए गए। यहां पर उनके साथ जीन ड्रेस के साथ नदीम खान भी मौजूद थे, जो ऑल इंडिया जमायत हिंद के सदस्य हैं, महत्वपूर्ण सदस्य हैं, और जिन्होंने निरंतर बांग्लादेश में सिविल वॉर की वकालत की है। तो क्या 8 तारीख को जब हिंदुओं की जाने खतरे में थी बांग्लादेश में, तो क्या राहुल गांधी अपने घर पर प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स को ट्यूटर कर रहे थे, मेंटोर कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि किस प्रकार से उन्हें अगले दिन प्रोटेस्ट करना चाहिए? और यदि वो ऐसा कर रहे थे तो क्या वो हिंदू उत्पीड़न जो बांग्लादेश में हो रहा है उसके एक प्रकार से एनेबलर नहीं है? अब किसी देश के समर्थन में जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे मिलते हैं, क्या राहुल गांधी ही उकसाते हैं? क्या राहुल गांधी ही इस तरह की बातें करते हैं जिससे कि देश में आग लगे? और जो आपने बताया लंदन की जो भेंट हुई है, हमने देखा हमारे पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है। तो सवाल ये पूछे जाते हैं कि ये जो विदेशी दौरे होते हैं या जिन प्रतिनिधि मंडल से ये राहुल गांधी जी मिलते हैं, ऐसा क्या करते हैं कि केवल अराजकता, केवल जो हमारी राजकीय संपत्ति है उसे नष्ट करना, भड़काऊ भाषण? श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति नफरत सामने आना, यह चिंताजनक है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर विरोध पूरी दुनिया में हो रहा है। भारत से लेकर अमेरिका तक, ब्रिटेन से लेकर कनाडा तक में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की निंदा हो रही है। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और जब पूरी दुनिया में विरोध के बाद अब कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर एक ट्वीट आया, तो उसमें भी हिंदू का जिक्र नहीं था।
जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, कांग्रेस वहां अल्पसंख्यकों और उनकी संपत्तियों तथा पूजा स्थलों पर लक्षित हमलों की खबरों पर अपनी चिंता व्यक्त करती है। कांग्रेस को उम्मीद है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अल्पसंख्यक समुदायों में विश्वास पैदा करने के लिए सशक्त कदम उठाएगी। सवाल है कि क्या जानबूझकर जयराम रमेश ने अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया। सवाल ये भी उठाए कि क्या राहुल को हिंदुओं पर हो रहे हमले की एक-एक जानकारी है, इसीलिए राहुल गांधी हिंदुओं पर हो रहे हमले पर मौन है। देखिए, जो लोग प्रियंका वाड्रा गांधी फिलिस्तीन के समर्थन में ट्वीट करती हैं, लेकिन जब हमारे पड़ोसी मुल्क में हिंदू प्रताड़ित होता है तो चाहे राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका वाड्रा गांधी हो, उनके मुंह में दही जम जाती है। सुई पटक सन्नाटा, हम कुछ नहीं बोलेंगे। और ये जो दोगली राजनीति है, ये चिंताजनक है। ऐसे में सवाल है कि क्या राहुल गांधी ने सचमुच खालिदा जिया के बेटे से मुलाकात की थी। सवाल ये भी है कि राहुल अभी तक इस मामले में चुप क्यों है। क्या राहुल गांधी इस बात का जवाब देश को देंगे। सवाल ये भी है कि अगर राहुल ने गुपचुप मुलाकात की तो क्या भारत की विदेश नीति का उल्लंघन नहीं किया। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या वाकई राहुल गांधी बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में चाहते हैं। सवाल ये भी है कि इस तरह किसी डेलीगेशन से मुलाकात कर उन्हें भड़काना क्या अर्बन नक्सल मानसिकता को नहीं दर्शाता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। अब मैं सबसे पहले सलाउद्दीन साहब आपके पास आ रहा हूं। आपने जब से ये बातें कही हैं, एक हड़कंप मचा है, एक जबरदस्त तरीके से तूफान, कई सारे सवाल। तो सर एक बार बताइए कि ये पूरी जानकारी क्या है। आपने दावा किया है कि लंदन में राहुल गांधी और तारिक रहमान की मुलाकात हुई है, कब आपको ये जानकारी मिली, जानकारी का सोर्स अगर आप बता पाए जितना संभव हो, ये पूरी जानकारी एक बार मैं चाहूंगा देश के दर्शकों को आप बताएं। धन्यवाद। आप जानते हैं कि कोई पत्रकार उसके सोर्स डिस्क्लोज नहीं करता, मैं भी नहीं करूंगा जी। और मैंने तो चैलेंज किया कि राहुल गांधी साहब या कांग्रेस पार्टी, ये लोग कहेंगे कि मेरे जो इंफॉर्मेशन है ये गलत है, तो मैं जरूर एविडेंस दाखिल करूंगा। और मैं जोर से फिर से कह रहा हूं कि राहुल गांधी मैट तारिक रहमान से मुलाकात की लंदन में, ये कोई इसमें कोई शक है नहीं। और ये मेरे जो इंफॉर्मेशन है ये कोई क्लेम नहीं, इंफॉर्मेशन, ये लोग कभी भी इसको डिबंक नहीं कर सकेंगे, करेंगे भी नहीं, क्योंकि राहुल गांधी साहब को खुद को पता है कि ही हैज मैट एंड ही नोज दैट इफ ही डिनाइज, अगर वो इसको स्वीकार नहीं करेंगे तब तो जब मैंने कहा है तो मैं एविडेंस भी दे दूंगा। मैं एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूं सर, जो आपने कहा ये ठीक है कि कोई पत्रकार अपना सोर्स नहीं बताता है, कोई हमसे भी पूछ दे तो हम ना बताएं, सूत्रों के हवाले से खबरें चला दी जाती हैं, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है और इसका सम्मान भी है। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई नेता खारिज कर दे या फिर बात यहीं पर आ जाए कि नहीं तो अब सबूत दिखाई देना है, तो आपके पास उस मुलाकात का एविडेंस भी है, मतलब कोई तस्वीर होगी, कोई वीडियो होगा, कुछ इस तरीके की भी चीजें आपके पास है। मैंने कहा कि हमारे पास एविडेंस है, अगर उसको पहले उनको इनकार करने दीजिए, देन मैंने आप सबको दे दूंगा, हमारे पास एविडेंस है। मैं सिर्फ इतना क्लू दे सकता हूँ आपको, एक छोटा सा क्लू कि लंदन में बहुत सारे सिलेटी कम्युनिटी है और तारिक रहमान की जो बीवी है जुवैदा रहमान, शी इज आल्सो सिलेटी फ्रॉम सिलेट डिस्ट्रिक्ट, आई एम फ्रॉम सिलेट आल्सो, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट राहुल गांधी तारिक रहमान की इनर सर्कल में जितने लोग हैं इसमें ज्यादा सिलेटी लोग हैं। सलाउद्दीन साहब मैं एक चीज कह रहा हूं, आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी इसको खारिज करें। सर लाइव शो है, आप देश का सबसे पुराना मीडिया हाउस है टाइम्स ग्रुप, आप उस पर बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा आप दिखाई दीजिए सर एक बार सबूत, क्योंकि फिर उसके बाद खारिज करने की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। दिखाऊंगा, मैंने जो कहा कि पहले तो ये इंफॉर्मेशन मैंने डिस्क्लोज किया रिपब्लिक में, और जब वो इनकार करेंगे सब मीडिया हाउस को एविडेंस मिल जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ स्ट्रांगली एंड कॉन्फिडेंटली एंड एज अ सीनियर जर्नलिस्ट मैं जानता हूँ ये कोई छोटा मोटा कोई एलिगेशन है नहीं, बहुत बड़ा एलिगेशन है। सो
राहुल गांधी साहब तो इसको डिनाई नहीं करेंगे, ठीक है, मैं जोर से फिर से कह रहा हूं, कर नहीं सकते। अच्छा, मेरा अगला सवाल है सलाउद्दीन साहब आपसे कि इस मुलाकात में क्या बातें, क्या ये माना जाए कि मुलाकात हुई तो बांग्लादेश में क्या कुछ होने वाला है, घटनाक्रम ये सब कुछ राहुल गांधी को पहले से पता, क्या उसमें बातचीत हुई? आप ये भी कह रहे हैं कि ग्रीन सिग्नल दिया गया, क्या समर्थन रहा? यस, ये मैं क्लियरिफाई करता हूं आपको। ग्रीन सिग्नल, बांग्लादेश में जो बीएनपी के लीडर्स है, डेफिनेटली बीएनपी के लीडर्स के साथ तो मेरा रिश्ता है, तो दो तीन वेरी सीनियर लीडर्स बीएनपी का, बहुत ही सीनियर, सीनियर मीनिंग इंपॉर्टेंट, सॉरी, उन लोगों को तारिक रहमान साहब ने ये मैसेज भेजा कि राहुल गांधी के साथ बहुत फ्रूटफुल मीटिंग हुआ, वी हैव गॉट ग्रीन सिग्नल फ्रॉम हिम, और बांग्लादेश में जो हमारा प्लान है, इट वाज, आई गॉट दिस मैसेज, आई विल जस्ट गिव यू द डेट व्हेन द मैट, आई विल नॉट टेल नाउ, बट व्हेन आई गॉट दिस इंफॉर्मेशन, आई गॉट द डे बिफोर द ईद उल अजहा, बकरीद था, उसके आगे के दिन मुझको इंफॉर्मेशन मिला, और वो बात सुनने के बाद कि राहुल गांधी साहब का क्लियरेंस मिल गया, बीएनपी लीडर्स जेनरसली एंड ओपनली इन्वेस्टमेंट किया, ये जो एनर्किज्म हो रहा है इसमें, ये तो कोई स्पॉन्टेनियस है नहीं, इट इज फंडेड, एंड इट इज नॉट ओनली बीएनपी लीडर्स, इट इज फंडेड बाई Biden, CIA, Pakistani ISI, and many other elements. And Rahul Gandhi साहब क्यों किया ये, मैं explain पहले भी कर दिया, फिर से मैं ये repeat करना नहीं चाहता, मैं फिर सिर्फ एक ही कहूंगा आप सबको कि अगर मेरे allegations, information सही है नहीं कि Congress party, Rahul Gandhi साहब भी दे officially कह दे कि ये information सही है नहीं कि Then I will keep the evidence. सर मैं आऊंगा आपके पास, मैं एक बार कांग्रेस पार्टी के नेता की ओर जाना चाहता हूं, लोकेश जिंदल जी, ये बहुत गंभीर आरोप है सर, देश के लिए, देश की विदेश नीति के लिए, और इसका खुलेआम उल्लंघन हुआ है, और ये किसी और ने नहीं, आप संवैधानिक पद पर हैं राहुल गांधी, और संवैधानिक पद पर रहते हुए किया है जो सलाउद्दीन कह रहे हैं। राकेश जी, आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि इस तरह के बेबुनियाद आरोपों को कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। अगर सलाहुद्दीन जी के पास किसी भी प्रकार का तथ्य है, किसी भी प्रकार का उनके पास में सबूत है, उसके साथ में वे अपनी थ्योरी को प्रस्तुत करें, इस प्रकार की बेबुनियाद और इस तरह का आरोप जो है, ये भारतीय जनता, भारतीय लोकतंत्र और भारतीय जर्नलिज्म में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, बांग्लादेश में किया जाता। लेकिन अगर आपके पास कोई तथ्य है, आप उसे सामने प्रस्तुत करें, फिर आप अपना आरोप सिद्ध नहीं, नहीं लोकेश भाई, भारतीय पत्रकारिता का ध्यान हम रख रहे हैं, आप सर भारतीय राजनीति का ध्यान रख दीजिए, वही बहुत बेहतर होगा, पत्रकारिता वाला भार हम पर छोड़ दीजिए सर, हमारे कंधे इतने मजबूत हैं कि हम उस भार को उठा लेंगे। लोकेश भाई, मैं फिर आपसे सवाल कर रहा हूं सर, ये ना तो चीख चिल्लाहट का मसला है और ना तो किसी को गलत और सही साबित करने का मसला है, एक खबर आई और इसीलिए मैंने पहले सलाउद्दीन साहब से बातचीत की है, और मैं आपको यह भी बता दूं कि जब इस टॉपिक को आज के लिए तय किया जा रहा था तो मैंने यह इंश्योर किया गेस्ट टीम से कि पहले सलाउद्दीन साहब हमारे पैनल पर मौजूद रहे, तभी आज मैं इस टॉपिक पर शो करूंगा, वरना मैं कोई और टॉपिक चुनूंगा, तो यह भी हमने इंश्योर किया पहले सलाउद्दीन साहब से बातचीत करने के बाद, उनकी ओर से कंफर्मेशन मिलने के बाद कि हमारे पैनल पर होंगे, तभी मैंने ये तय किया कि ये टॉपिक हम लेकर आगे बढ़ेंगे। आरोप के पहले उस आरोप से जुड़े सभी तथ्यों को प्रस्तुत करें, उसके बाद में लोकेश भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसीलिए आपने अगर मेरी बातचीत सुनी होगी, मेरी बातचीत आपने सलाउद्दीन साहब से सुनी होगी, तो मैंने उनसे कहा कि आप सबूत दिखाई दीजिए, क्यों इंतजार कर रहे हैं? नहीं नहीं, तो ये मैंने सवाल कर दिया सलाउद्दीन से, ये मैंने सवाल कर दिया, लेकिन मेरा सवाल लोकेश भाई उससे आगे का है, ये दो तीन दिन से ये बवाल मचा हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी की टीम को कानो कान खबर नहीं होगी, तो एक राहुल गांधी का कुछ नहीं तो जो उनका सोशल मीडिया हैंडल कोई मैनेज करता होगा वो डाली देता, खंडन खंडन क्यों नहीं आया सर, ना तो राहुल गांधी की ओर से नहीं आया और ना ही तो कांग्रेस के किसी भी और बड़े नेता ने इस बात का खंडन किया होगा। राकेश जी, जयराम रमेश जी ने आज ही चिंता जताई है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा हो रही नहीं, है। नहीं, मैं मुलाकात की बात कर रहा हूं, उस पर आऊंगा तो सर
उस पर अभी मैं जाना ही नहीं चाहता, उस पर आऊंगा तो उस पर भी आप घिर जाएंगे। ये मुलाकात का किसी ने खंडन किया तो मुझे कोट करिए, मैं अभी चेक कर लेता हूं। राकेश जी सुनिए, राकेश आप मुझे जानते हैं, बिना तथ्यों के मैं किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप में विश्वास नहीं करता। हाँ, किसी प्रकार के आप तथ्य समक्ष लाएं तो इस पर चर्चा। नहीं नहीं, तो राहुल गांधी को खारिज करना चाहिए ना लोकेश जिंदल, कि मैं किसी ऐसे तारिक रहमान से नहीं मिला, मैं खालिदा जिया के बेटे से नहीं मिला, मेरी बांग्लादेश के आंदोलन को लेकर मेरी कभी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, ये खारिज कर देना था, ये डिबेट ही नहीं होती। राकेश जी आरोप लगाने से पहले तथ्य पेश कर रहे हैं। तो सर आप लोग भी तो आरोप लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या बीजेपी पर आरोप लगा दिए बिना तथ्य के। सुप्रीम कोर्ट से आपको बेरंग वापस लौटना पड़ा, आपने तो सुप्रीम कोर्ट में आपके नेता ने माफी तक मांग ली। कोई भी पक्ष लगाए वह गलत है, और अगर कोई भी पक्ष आरोप लगाना चाहता है तो आरोप लगाने से पहले तथ्य प्रस्तुत करे। ठीक है, राधिका खेड़ा, राधिका खेड़ा, सलाउद्दीन साहब की आपने बातें सुनी, बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक गंभीर आरोप है, और इस पर कांग्रेस के किसी बड़े नेता का खंडन नहीं आया। लोकेश जिंदल भले यहां पर बैठकर कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की विदेश में मुलाकातें सवालों के घेरे में रही हैं। देखिए, राहुल गांधी की देश विरोधी हरकतों की फहरिस्त में एक और चीज अब दायर हो गई है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले एक फोटो आई थी, कुछ साल पहले, राहुल गांधी की चाइनीज इनवॉय से, चाइनीज लोगों से, सरकार के लोगों से मिलने की, MOU भी उन्होंने साइन किया था। तब भी इसी, आज तो खंडन नहीं आ रहा, लेकिन तब तो खंडन भी आया था। तब के कम्युनिकेशन हेड जो जयराम रमेश जी की जगह पर रणदीप सुरजेवाला जी थे, उन्होंने तुरंत आके मीडिया को कहा था कि कोई मुलाकात नहीं हुई है। फिर थोड़ी देर बाद फोटो सामने आ गई थी, फिर सबने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हाँ मुलाकात हुई है। तो देखिए, आदतन राहुल गांधी की आदतन आदत है कि वो हमेशा देश विरोधी गतिविधियों में कहीं ना कहीं उनका हाथ आएगा। अब जैसे कि यहाँ पे चौधरी साहब बता रहे हैं कि मुलाकात वहां पे हुई, आप देखिए ना, उसके बाद एक पूरी क्रोनोलॉजी है। वो वहां पे मुलाकात होती है, उसके बाद जब शेख हसीना जी छोड़ती हैं बांग्लादेश, वहां से भागती हैं, उसके बाद से एक ट्वीट नहीं आता राहुल गांधी का, कोई ट्वीट प्रियंका वाड्रा का नहीं आता, किसी का कोई ट्वीट नहीं आता, शांति हो जाती है। लेकिन जैसे ही नए प्रधानमंत्री ओथ लिखते हैं टेम्प्ररी, वैसे ही राहुल गांधी बधाई का ट्वीट दे देते हैं। हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल लंबी चुप्पी छाती छाती हुई है। लेकिन जैसे ही नए प्रधानमंत्री आते हैं टेम्प्ररी, उनको बधाई देने का समय आ जाता है। तो ये जो लगातार हम देखते आ रहे हैं कि किसी ना किसी तरह भारत में अराजकता फैले, किसी ना किसी तरह नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कोई प्रॉब्लम आए, सरकार गिरे, वो हर बार बाहरी ताकतों का साथ देने की कोशिश करते हैं, देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे। और ये बाउंड रिकॉर्ड है, चाइना वाला एग्जाम्पल हमारे सामने है, अब बांग्लादेश का एग्जाम्पल हमारे सामने आ गया। नहीं नहीं, इसमें भी, इसमें भी विवेक श्रीवास्तव जी, इसमें भी फिलिस्तीन समर्थक लोगों से मुलाकात हो जाती है, उन पर बोल देते हैं, हिंदुओं पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि फिर तो ये सवाल बनता है कि हिंदुओं के संघार पर इसलिए खामोशी हो जाती है क्योंकि वोट बैंक का सवाल है, और वोट बैंक के खास समुदाय से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि आंदोलन पहले से पता था क्या हो रहा है, वो पहले से पता था, तो बेहतर है भाई खामोश रहो जी। तो टाइम्स नाउ के एडिटोरियल टीम का ये लॉजिक है कि अगर हिंदुओं को मुसलमान मारते हैं किसी देश में, किसी राज्य में, तो उससे यहाँ के मुसलमान खुश होते हैं और कूद कूद करके वोट उसको देंगे। नहीं नहीं सर, ये मेरा लॉजिक नहीं है, ये मेरा लॉजिक नहीं है सर, ये सोच आप लोगों की पॉलिटिकल पार्टियों की होती होगी, हमारी एडिटोरियल टीम का कोई लॉजिक नहीं है। विवेक श्रीवास्तव, मैं आपको शुरुआत में इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपने सीधे व्यक्तिगत आए सर। डोंट शाउट, मैं बिल्कुल शाउट नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट शाउटिंग मिस्टर विवेक श्रीवास्तव, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हिंदुओं के संघार पर चुप्पी क्यों है। प्लीज डोंट रेज योर वॉइस, मैं बड़े प्रेम से, मैंने आपसे सीधा सवाल किया, आपने वोट बैंक पॉलिटिक्स शब्द यूज किया। हाँ? तो वोट बैंक पॉलिटिक्स का मैं क्या मतलब समझूं, कि राकेश जी कहना चाहते हैं कि अगर हिंदुओं को मुसलमान मारते हैं और उसकी निंदा ना की जाए तो यहाँ के मुसलमान खुश होकर के हमें नहीं, सर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। वोट बैंक की पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि जो आप सेलेक्टिव खामोशी हो जाते हैं, वोट बैंक एक एक मुसलमान की लिंचिंग हो जाए। नहीं नहीं सुनिए विवेक श्रीवास्तव, एक मुसलमान की अगर लिंचिंग हो जाए तो आप लोग रोना शुरू कर देते हैं, बोलना शुरू करते हैं, बोलना भी चाहिए, लेकिन एक हिंदू मारा जाए तो कान पर जू तक नहीं रेंगती है। फिलिस्तीन में हिंसा हुई, सुनिए सर, नहीं नहीं सर आप सॉरी मत बोलिए, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स का सच यही है। फिलिस्तीन में अगर कुछ हो रहा है तो यहाँ पर बोला जाएगा, झंडे लहरा दिए जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू मारे जाए तो यहाँ पर कोई नहीं बोलता है। आपको फिलिस्तीन भी नहीं पता होगा,
हाँ सुन लीजिए, पहली चीज, क्या राकेश और आपकी एडिटोरियल टीम पैलेस्टीन को मुस्लिम प्रॉब्लम समझती है? नहीं नहीं, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक उदाहरण आपको दिया है। नॉट अ मुस्लिम प्रॉब्लम, मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। नहीं जा रहे हैं ना, मैं सिर्फ एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। सुन लीजिए मेरी बात, जिस पत्रकार को आपने यहाँ, सुनिए सर, प्लीज लिसन टू मी नाउ, बोलिए, जिस पत्रकार को बांग्लादेश के आपने बिठा रखा है यहाँ पे, इससे आपने सबूत नहीं लिए, इससे सबूत तो लिए नहीं आपने। दूसरा, ये व्यक्ति जो बैठे हैं, सलाउद्दीन साहब, जरा मुझे आप एक बात बताइए, 12 जनवरी 1965 को आपका जन्म हुआ सिलहट में, आपके ऊपर सेडिशन का चार्ज है बांग्लादेश में, आपके ऊपर चार्ज है कि आपने बांग्लादेश की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अपने देश से बाहर भेजी, आपके ऊपर चार्ज है मनी फ्रॉड का, आपको 7 साल 4 महीने के लिए जेल में भेजा गया, 3 महीने के लिए, शायद उसके बाद फिर 4 साल, आपकी क्या क्रेडिबिलिटी है? और बिना सबूत के आप यहाँ पे हल्ला राहुल गांधी के खिलाफ मचा रहे हैं और टाइम्स नाउ वाले ताली बजा रहे हैं, जरा मुझे सबूत कोई देगा यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है विवेक जी, कर देंगे कि राहुल विवेक जी आपके इस सवाल के मैं साथ हूँ, बोलिए, जवाब दीजिए, सलाह दीजिए। मैं जवाब देता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी बात किया और सबूत कर दी कि ही इंक्लाइंड टुवर्ड्स जिहाद, मेरे खिलाफ जो सेडिशन नहीं, सिर्फ ब्लास्फेमी, धर्मद्रोही, क्योंकि सुनिए मेरे बात, मैंने कहा था 2003 में कि बांग्लादेश में मद्रासा में जिहादी पैदा हो रहा है और बीएनपी वालों मेरे खिलाफ ये सेडिशन, ट्रीजन एंड ब्लास्फेमी का चार्ज लाए। आप कहा के मेरे खिलाफ इंफॉर्मेशन स्मगलिंग करने की इंफॉर्मेशन आया, कई एलिगेशन आया, मगर बात आपको ये भी बात बतानी है कि कोर्ट ने मनी फ्रॉड, मेहरबानी, वन आफ्टर अनदर आई हैव टू एड्रेस एवरीथिंग, जो एलिगेशन है इंफॉर्मेशन स्मगलिंग करने की, आपको पता नहीं, ढाका मेट्रोपॉलिटन सेशन जजेस कोर्ट इन 2003 से सच केसेस आर शेमफुल, शेमफुल फॉर अ नेशन, दिस केस इज डिसमिस्ड, एंड जिसने ये केस दायर की उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन हो गया, नंबर टू। नंबर थ्री, मनी फ्रॉड, पुटिंग यू इन जेल फॉर 7 इयर्स, उन्होंने मुझे बात ही नहीं करते देते, करने देते, आफ्टर पुटिंग यू इन द जेल फॉर 7 इयर्स, बिकॉज यू हैव, यू आर ब्रिंगिंग एलिगेशंस अगेंस्ट मी, आई पूछ रहा हूं आपसे, मैं रिप्लाई पूछ रहा हूं, मैं कोई, नो नो नो, आप सुनिए मेरे बात पहले, आई एम आस्किंग यू व्हाट इज रिटन, व्हाट इज प्रेवलेंट अबाउट यू, आई एम, यस, नो नो, आई टोल्ड यू दैट आई एम स्पीकिंग, द पर्सन हु इज गिविंग द न्यूज, आई एम स्पीकिंग अगेंस्ट जिहाद, and that's why that case is filed, you don't know why this case is filed, right? Good. And you are defending those I jihadis, also speak against jihad, and bhai, no, you are in favor of, no, jihad, because bnp jamaat, bnp, no 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 no, bnp just now you have proved yourself to be a jihadist, you are a jihadist because bnp jamaat has brought that case against you, no, I have not proved myself to be anything, and aap wo case ko laake ek minute main aata hu beech mein, तो एक मिनट विवेक जी, आपने कुछ विवेक श्रीवास्तव, हाँ, और सलाउद्दीन साहब, एक विवेक श्रीवास्तव, आपने कुछ बातें कही थी, उसका सिलसिलेवार तरीके से वो जवाब दे रहे थे, उनका ये सीधे तौर पर कहना है, मैं उसको समराइज कर देता हूं जितनी मुझे समझ में आया, उनका ये कहना था कि बांग्लादेश में कुछ जिहादी गुट एक्टिव हो रहे थे, उनको बीएनपी का समर्थन था, उसके खिलाफ उन्होंने बोला, इसलिए सेडिशन के चार्जेस लगे, इसलिए जो भी चार्जेस आप बात कर रहे हैं, इसलिए वो चार्जेस लगे हैं। मैं इनसे आगे बढ़ता हूं सर, ये उनका जवाब हुआ, मैं दोबारा आ रहा हूं विवेक श्रीवास्तव, और बहुत गंभीर बात है, मैं किसी भी नेता के खिलाफ सर बेसिर पैर की बात का समर्थन नहीं कर सकता हूं। मैंने शुरुआत में सलाउद्दीन साहब से पूछ लिया, सबूत है, सबूत सामने रखते हैं, उनका अभी भी ये कहना है कि राहुल गांधी एक बार खारिज करने तो मैं सबूत भी रख दूंगा, वो ये कह रहे हैं। मैं, मेरा सवाल यह है कि राहुल 2-3 दिन से यह खबर आ रही है, उनकी टीम को तो हमसे भी पहले मिल गया होगा कि उनके नेता के बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो एक ट्वीट डाल देने में कौन सा क्या गलत हो रहा था कि भाई ऐसे किसी तारिक रहमान से हमारी मुलाकात से हुई सर, एवरी हर हर सर हर टॉम डिक हैरी को आप बिठाए ना अपने न्यूज चैनल पे, हम क्यों इनको रिएक्ट करें, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी है क्या? नहीं नहीं सर, हर 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 ऐरा गहरा नहीं है, आपको आपका बाहर बैठा, देश से बाहर बैठा कोई व्यक्ति आपके विपक्ष के सबसे बड़े नेता के खिलाफ कुछ कह दे और आप उसका खंडन तक नहीं करेंगे? नहीं नहीं विवेक श्रीवास्तव, मैं इस बात से बिल्कुल नहीं सहमत हूँ, या सलाउद्दीन हो या कोई और हो,
अगर कोई हमारे इस देश में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ बोलेगा, मैंने पहले सबूत मांगा और मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी की टीम को खंडन कर देना चाहिए था। उनके ट्विटर हैंडल से ही उनको बयान देने में दिक्कत है। तो आप इनको हीरो बना रहे हैं सर। नहीं, मैं बिल्कुल हीरो नहीं बना रहा हूं। मैं बिल्कुल सलाउद्दीन चौधरी के साथ नहीं खड़ा हूं। विवेक श्रीवास्तव, मैं अपने देश के सत्ता पक्ष और विपक्ष के साथ खड़ा हूं। सबूत है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने खंडन क्यों नहीं किया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। अच्छी बात है सर, तो इनको बिठाया क्यों है सर? सर आप पहले सर नहीं बिठाता तो नहीं बिठाता विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव नहीं बिठाता तो आप पलट कर पूछते कि जिन्होंने आरोप लगाया उसको क्यों नहीं बिठाया। इनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस है, इनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। सर इस देश में भी बहुत नेताओं के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। नशे खसीना, इस देश में भी बहुत नेताओं के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो क्रिमिनल चार्जेस का क्या किया जाए? ये सिर्फ अटेंशन चाहते हैं। चलिए राधिका खेड़ा, मैंने बहुत क्लेरिफाई किया कि मैं अपने देश के लोगों के साथ खड़ा हूँ, चाहे वो देश में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। मेरे लिए राहुल गांधी अपने हैं, सलाउद्दीन चौधरी अपने नहीं हो सकते, हम मुल्क नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की ओर से खंडन क्यों नहीं, इस पर इन्हें आपत्ति है, खंडन नहीं देंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये सिलेक्टिवली नहीं चल सकता ना राकेश जी। हिंडनबर्ग, जब हिंडनबर्ग की बात आती है तो हमारी सरकार के ऊपर हमला किया जाता है, लेकिन जब इनकी पोल खुलती है तो कहता है कि ये बाहर के लोग हैं, आप कैसे इन पे विश्वास कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं बड़ी बात सुन रही हूँ, और ये लगातार मैं आजकल आपके चैनल में दोपहर में भी एक डिबेट पे थी, तो जो पैनलिस्ट आए हुए हैं ना वो यही बार बार बोलते हैं कि आप किसी भी टॉम डिक हैरी को बुला लेते हैं। अरे बहुत ही सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों बैठे रहे, चाहे कांग्रेस के हो लेफ्ट हो, उनके अधिकृत प्रवक्ता नहीं है, सिर्फ नेता है। तो टॉम डिक एंड हैरी तो इस समय अपनी पार्टी के नेतों का स्वयं है। तो ये तो बात लगातार सबको बोलते हैं, जस्ट बिकॉज इनके पास पॉलिटिकली कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये नहीं बता सकते कि क्यों राहुल गांधी चाइनीज लोगों से मिले, ये नहीं बता पा रहे कि राहुल। ठीक है राधिका जी, वक्त इतना ही है, सलाउद्दीन साहब वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कॉल पर हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। लोकेश भाई और विवेक श्रीवास्तव जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मैं तो कह रहा हूं कि सलाउद्दीन साहब की बात गलत हो, राहुल गांधी ना मिले हों तारिक रहमान से, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर बाहर बैठकर कोई व्यक्ति इस तरीके की खबर दे रहा है तो सर जिम्मेदारी बनती है कि खंडन कर दें। ये देश की एकता के लिए जरूरी है, देश में किसी को लेकर कोई गलत परसेप्शन ना बने उसके लिए जरूरी है।